किसान आंख पड़े तो ये बुंटो को दिखे मान सेटेलाइट कैमरे में दिख जाए होगी चुनो वोट बार लेकर टेम को महीना चार बाकी रह रहे फिर तो कुत्ती ने बुआ जी कहेगा मैं बताऊ मनोज जी किसान ने हर आदमी खाएगा पूरे खेत में फिर गया एक घेगरी लगी रुपए में लट है लट तो जमाने में होता है पूरे गांव में मेरे बोला यही घेगरी लगी मन तो इस कार स्प्रे पीनी पड़ेगी उपाय को नहीं है सरकार ने देख के रो सिस्टम देखिए किसान यहाँ कवरेज है किसान लोग जितना भी जुड़े रहे वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए राम राम सामो मनोज थे देख रहे हो जिलको चूरू जिले का जी का किसान है वह चिंतित है क्योंकि लेना तो बारिश को नहीं है अब की बारी भी बारिश है जी की को नहीं हुई चीने की फसल के अंदर और सरसों भी मांस कहाँ के जिले के अंदर खराब है वो ही क्योंकि पाड़ो है वो खींच गए पड़ो किसान है जी का खड़ियो को नहीं हो जा रहे बैठे बैठे रह रहे क्या हालत किसान की हो रही है हो जाएगी खड़ियो की हालत मनोज जी खस्ता ही है हो गया लगे खड़े में तो साल तीन चार होगी हालत खस्ता है अपा जी के खेत में खड़ा है हम तो चीनो बिजड़ बिजड़ उग गयो तो कोई कोई नहीं उग रो तो है उग्यो क्यों नहीं उग्यो तो है ही अब आपा उगना बाकी रहा मेरा बाकी उगना उग्यो तो है देख लियो थे चीनो उग्यो तो है वह चीड़ा इकट्ठे थे फसल करो त्यार हालत है फिर क्रॉप कटिंग के बाकी कर रखी है सरकार बेर हो सरकार के कर क्रॉप कटिंग मारी कर दी गेला रिपोर्ट ली बंग आधार पर क्लेम दिया वो भी कौन दियो अच्छा ये थर चीना है दिखने में कोनी आ रहा हो रहे भी कोनी अपा आप देखने लग रहे आने दर्शक है जगह कैमरों देखने लग रहे फिर कई बार वो असमंजस क्यों जो है फसल ज्यादा होगी क्यों आप फसल तो किया मनस के एक अंग लगी को नहीं मैं बताऊँ मनोज जी किसान ने हर आदमी खाए किसान ने नेता भी खावे किसान ने बड़ा व्यापारी भी खावे और किसान ने बीमा कंपनियां खाने लग रहा ए के करे वो मौसम आधारित बीमा ऊपर करेगी ऊपर जो सैटेलाइट दे होता है रे तो दिखेगा है वो तो कौन दिखे लेकिन दिखे तो गाई अब बाटा नीचे धरातल मांग देखे नीचे मेरा पट्टे के चीना है कौन है हालात खराब है तो जी घेगरी लग गई है कौन लगी पूरे खेत में फिर गया एक घेगरी लगी रुपए में लट है लट तो जमाने में हो गया होता है और देखो थे पूरे खेत में अठहर बठहर सारे फिर जाओ चाहे पूरी गांव की रोई में फिर जाओ ए चीना में एक लगी एम ही आ देखो साहब दिखा सको तो आ देखो और बुंटो ही देख लियो बच्चों को नहीं हमें की आए पूरे गांव में मेरे बोला आई घेगरी लगी मन तो ओ जी हाँ लट खा गया तो आपने के बच्चे फिर आपने बच्चों के हो आपने बच्चों की कोनी आपने बच्चा धक्का और आपने की बच्चे उनकी बचायो के उम्मीद प्रशासन कर रहे हो उम्मीद प्रशासन के करा दो उम्मीद गैलरी में ही वो करे सैटेलाइट कर दियो तो ठकिया हो वो आए बात नीचा ही छीना कौन लाद नीचा आया तो ढूंढे ही को लाद देनी था ले कैमरे में मन लगा मुश्किल आओगा जो तो ठकिया हो सैटेलाइट हूँ क्या होगो अब देखो साहब अब आए बात अब सरकार जाने बीमा कंपनी जाने और लेनो देनो जाने उम्मीद कितनी कराई कर रखी होगी थोड़ी मोटी करा के तो करा गेलड़ो ढंग देखता तो उम्मीद लागे को नहीं आऊं आए बात जड़ा थन पड़नी पड़ेगी भाई और मजदूरी लगी हां मजदूरी तो लगानी पड़ेगी तो के करा पगन ला देंगा इसी नौबत को नहीं आवे के मन पारनी पड़ेगी ते देखन आयो कचनो सारो उग्यो बरसात होई कोनी रे ओखयो किसान की बुरी हालत कर दी ने पाले अब की बार इशू तकड़ो पालो पड़ियो है कजी की जड़ उगी बेनी नष्ट कर दी एकदम बाबड़गी आकटाई कौन बचिया रही कही मारे टूबेल को इलाको एडे 100-200 कुआ भी है वह कुआ पर सरसियों बाइडी वह भी पूरी की पूरी खराब होगी अब पटवारी जी ने बुलाया वह बेचारे सरकार का हिसाब हूँ माने जो आदेश मिली है बेंगी साहब गिरदावरी करवाई है आ स्पेशल गिरदावरी राज्य सरकार आदेश करियो बेंग अनुसार पटवारी जी ने बुला के गिरदावरी जी ने बुला के काम करवाए थे आया हो थारे माध्यम में तो दिखवा ना रहे ऐ चीना है सरकार ने प्रशासन ने दिखाओ कई बार क्या हालत हो रही है हमारी रही कही बीमा कंपनी रांद काटने आ रही है 2021 गो खरीफ गो जी को मूंगा रो गड़ियो वो थोड़ो थोड़ो देगे 300 रुपया 200 रुपया 250 रुपया देगे सल्टानो वो काम कर रही है दूसरे अब गेलना मणियो मूंगो और मोठ गो बाएं में वो ही वो देने ने इनकार करने आ रही है रही कही अब की बार चढ़ांगी हालत आ रही है एम ही अब की बार और कहने आ रही है कि मैं सैटेलाइट हूँ देगा किन्ने सैटेलाइट लगाऊंगा भैया मैं किसान आंख पाड़े तो ये बुंटो को दिखे मान सैटेलाइट है कैमरे में दिख जाए होगी चुनो थे बताओ डिजिटल इंडिया है कि दिख और डिजिटल इंडिया किसान तो मरना आ रही है डिजिटल इंडिया की मैं क्या बताऊँ था हालत बहुत बुरी हालत हो रही है मनोज जी मजाक की सो बात है बाएं मेर के तारानगर तहसील मेर के चूरू जिले में पूरे संपूर्ण इलाके में चने की खेती है वह एकदम नष्ट होगी सदा आए साल रबी की फसल में चना का आप घर होड़ा बनाई करा बांगा दर्शन हो जाएगी अब की बार टाबर बांगा दर्शन भी कौन करें बीज ही कौन वावड़ा हालत हो रही है सब्जी को खा के देखा नहीं मैं तो सरकार हूँ उम्मीद करा के सरकार किसान ने आपकी तरफ आर्थिक मुआवजो दे स्पेशल गिरदावरी करके आ किसान की सुनवाई करे बीमा कंपनी की पक्ष न लेगे किसान की पक्ष लेगे किसान की सुध लेगे किसान ने उचित क्लेम दिलाई जाए उचित मुआवजा दिलाई जाए आई मांग करा सरकार क्या था जी चीना ही हालत
हालत के बताऊं जी, मैं तो जमा ही खराब है हमारी तो बस, अब और के फसल के बारे में थन दिखाई दी और बस बहुत ही किसान हमारी हालत तो बहुत ही खराब है। सरकार की देन कौन लाग रही है बस, बहुत हालात खराब है, फसल बिल्कुल ओन कौन लाग रही। आप बताओ और के बताऊं, बताओ थाने है? सर्दी खूब पड़ी है आपकी बारी? सर्दी भी खूब पड़ी है, बाला की वजह से होगी, बरसात हो को नहीं। अरे बैठ आए में समाल जो साड़ी बीजनी जरूरी ही, किसान और करे के बताओ, माने बीजनी तो जरूरी ही फसल, सर्दी बहुत बड़ी, बरसात होई को नहीं। हाल है देख लो जी मनोज जी, यही करो बताओ के और के लंबी चौड़ी बताओ, सरकार करे भी आ कर रही है, हालात बहुत ही खराब है हमारे तो साहब। तो जी चीना की हालत क्या है? चीना की हालत 100% नुकसान है, दाना शेर हुआ को नहीं, थोड़ा घना कार मजदूरी करके लाया, बान में बिजाई में बीज में गेर दिया, दाना ही आस को नहीं, क्या करांगा मेरे, और कोई तो हमारे कोई रोजगार है नहीं खेती सुबह, और खेती में दाना शेर को नहीं, इसकी साल के मैं पाएंगी हरियाणा में, और बोलो बरसात करी को नहीं, बरसात करें चलो चल जाते, क्या करांगा क्या खाऊंगा, या तो राम दे या सरकार दे, और तो कोई देने वाला है ही को नहीं धरती के ऊपर। किसान की हालत बिल्कुल खराब है, ऊपर का राम है नीचे ही सरकार है, सरकार चलो चलाए चलो, किसान मर गया और क्या बताए जी। तो कोई पूछता सुनाई हुई थाने के मान थे आया मैं तो आया तो और मान मान कौन पूछो कोई वोट वाट ले रहे या वोट वाट ले रहे टेम को नहीं आवागा महीना चार बाकी रह रहे फिर तो कुत्ती ने बुआ जी कहेगा कह थारी रखी रहेगी वोट वाले टेम आ जाएगा इन कुड़ा मार्ग ने इब तो बना धूप लग गया कपड़ा खराब हो जाए इब तो बैठे है सीसी कमरा में चोखा गूंद का लड्डू खा बना ओके बेरो किसान ही के हालत में टबर भूखा बैठे है गूंद भी अब कल जम के लगे मन बाम तो जमियो को नहीं कमजोर हम जमियो गरीब हम बाओ क्यों जमियो बे तो आसी लगा बैठे आपका ठाठू। अच्छा आपकी बार जिया बर्फ जमी कई दिन आता है लगातार जमी बेऊ की तो ज्यादा और नुकसान हो गयो बेऊ ज्यादा जो कुआ पर सरसी बा शहरी को नहीं बिल्कुल खत्म होगी। चीना पर भी प्रभाव है नहीं चीना प्रभाव तो बढ़ गया कोई ऊंचो टोरो जो कच्चो कटे बढ़ गयो बरसात ही कोनी जिना पर तो सारो ही प्रभाव पड़ गयो फिर ओला ही कोनी हो गया ओला क्या ना हुआ ओला या तो फिर रोनो क्या ना मैं तो बीज गम गयो ओला मारा होगा ओला मैं हाँ मैं तो डिक्को में कोई किसान तो देगो थोड़ा मोटा किसान के देगो देने वाले ऊपर लबन दिया कौन किसान के देगो इज्जत आपके किसान बात दे भलाई ले लो किसान के पास कुछ नहीं है सुवाय भूख कुल मिला स्थिति खराब है चीना स्थिति बिल्कुल खराब है साहब बच्चा पढ़ना मुश्किल हो रहा है चीना की स्थिति थे देख ली और रोज में दिखा लिया ठेठ ठेठ का करता ही मारे तो खड़ी दाना ही आमदनी है कोनी न खड़ी फूल कौन काटे चने अभी तो बारिश आस पास ही कोनी अपने एरिया में कोनी क्या भाई सब थारे है की कोई दाना ना बिल्कुल ही कोनी थान दिखना रे माल तो बिजेड़ा तो होगा हां बिजेड़ा ऐसा रे खेत पड़ा बिना कोनी कितना बीघा में बीघा 15 बीघा में पच्छा कितना आस है बीज बाज हो जाओगे ना ना मतलब ही कोनी या देख लियो थे चिना आकार देख लियो थे केला का काम 15 बीघा में 1.5 क्विंटल चिना गिरया एर मारे कोनी हो बे मां 50 ग्राम कने बे 50 ग्राम कोनी हो 1500 रुपया वो कट्टो आर डीएपी हो ब्लैक की में 3-4000 रुपया ले डीएपी और रेडी मान तो रगड़ दिया बे और गिर गया नमी रह गया हैं नमी मारी रहेगी के करो भाई जी के तापड़ा सा तोड़ो भाई जी तापड़ा तोड़ गया बेचना देखिए इब कर इब कर स्प्रे पीनी पड़ेगी उपाय कोनी है सरकार ने देख के रो सिस्टम देखी है खेती ने देखी सिस्टम खराब हो रही है एकदम हालत एकदम खराब हो रही है 10-12 बीघा में चीना बीज रखे जी कम सपोर्ट हो रही है सावनी कितनी काटी थी सावनी के काटी की कौन काटी सावनी हम के हो टाइम पास ही करी सावनी में असप्रे पीनी पड़ेगी इब कर मारा के ना टाइम सिर आवेगा मारा गांव में रकबे नहीं काट दियो जोतना होगी नहीं टिपा दी क्यों का मागर मारवा जाती कौन तो विधायक जी तो बिर में जानो पड़े नहीं जब इलाज कौन जे पुल हुआ तो ऊपर गिर जा मार गया मकर कौन जा पुल मिला के मनोज जी मारे गए हमें जिसके खेत में मैं हूँ बैठे तो आचीना शायद पाड़ की भी आवश्यकता कौन पड़े क्योंकि अंग बीच में माइक की बहुत बड़ो है एक अंग ऊपर नीचे ही है चीना हर कैसका के खुडा के अंदर दबगी ये चीना रह गया प्रशासनिक अमलगा जी का लोग है शासनिक हम लगे जी का लोग है किसान लोग आई आई मिन्नत कर रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उचित मुआवजो या गिरदावरी है जी के टाइम पर करवा गए और जो भी मरम है वो दे जावे तो अगले ठीक साबित है जी को रहो वो अन्य अपडेट खातर बने रहो और किसान या कवरेज है किसान लोग जितना भी जुड़े रहे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो जय चुरू जय राजस्थान जय हिंद।